मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी के दरबार में पहली बार नतमस्तक हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। देश और प्रदेश की कुशलता की कामना की। आज शनिवार तीसरे पहल लगभग 4:30 पर अधिष्ठात्री देवी मां विंध्यवासिनी का विधिवत दर्शन पूजन किया। विंध्याचल में पहली बार कोई मुख्यमंत्री इतनी शालीनता के साथ पूजन करते दिखे। आम दर्शनार्थियों को अधिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। मुख्यमंत्री शिवराज और उनकी धर्मपत्नी ने बहुप्रतीक्षित विंध्य कॉरिडोर परियोजना का भौतिक निरीक्षण किया। मां विंध्यवासिनी के विषय की जानकारी प्राप्त करने में काफी उत्साहित दिखे। चौथी बार मुख्यमंत्री की कमान संभाले शिवराज सिंह के लिए सुरक्षा की तगड़ी व्यवस्था की गई थी। इस दौरान मंदिर परिसर को कुछ समय के लिए खाली करा दिया गया था। बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आज तीसरे पहर मां विंध्यवासिनी देवी के दर्शन पूजन के लिए पहुंचे। उन्होंने पूरी विधि विधान से अभ्यर्थना की और आशीर्वाद मांगा। पूरे धार्मिक कार्य स्थानीय भाजपा विधायक एवं विंध्याचल धाम के तीर्थ पुरोहित रत्नाकर मिश्र और उनके सहयोगी पंडितों की टीम ने पूजन और दर्शन कराया। मंत्रोच्चारण के बीच शिवराज चौहान ने पूजन किया। हवन कुंड में हवन सामग्री के साथ हवन भी किया। R9 भारत से ब्यूरो रिपोर्ट। माँ के दर्शन का सौभाग्य मिला है। पहली बार माँ के दर्शन करने आया हूँ। माँ ने बुलाया, कई बार सोचा आ नहीं पाया। माँ से यही प्रार्थना है, हमारे देश पर, हमारे प्रदेश पर, जनता जनार्दन पर, सब पर कृपा की वर्षा करें।